हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस में। मैं हूं आलोक शुक्ला और आज आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। हमेशा की तरह जैसा परीक्षा प्लस टीम आपके लिए हमेशा करते आ रही है, एक बार फिर से जो आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांचित कर देगी, आपके अंदर खुशियाँ भर देगी, वो एक ऐसा प्रोग्राम आपके सामने लेके आए हैं। और वो प्रोग्राम है लेखपाल के बैच का। लेखपाल का बैच टीम ने अनाउंस कर दिया है और इस पूरे बैच में आपका कोई भी फी नहीं लगेगा, यानी कि निशुल्क है। हमने लोअर का चलाया था, लोअर प्री का, वो भी निशुल्क किया था, और भी बहुत सारे, जैसे हमने वीडियो का चलाया था, मंडी परिषद का चलाया था, टेस्ट सीरीज हमने कराया था, सब कुछ निशुल्क किया था। एक बार फिर से यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का, आप फिर से सुन लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का ऑनलाइन बैच हम निःशुल्क कर रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपको वीडियो क्लासेस किसकी, मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की, जीएस की और ग्रामीण विकास, जितने भी आपके सब्जेक्ट आपके सिलेबस में हैं, पूछे जाने हैं, उन सभी का बहुत ही डिटेल्ड वीडियो, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, सारे ही टॉपिक देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पूरा वीडियो के माध्यम से आपके जितनी भी फैकल्टी है परीक्षा प्लस में, सभी टाइम टाइम पे टाइम टेबल के अनुसार लेके आएगी। हम बाद में बात करेंगे टाइम टेबल की, लेकिन उससे पहले हम जान लें इस बैच में आपको और भी क्या विशेषताएं हैं, क्या मिलने वाला है, कैसे फायदेमंद है ये बैच और आप इसके सहारे कितने अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हमारे वीडियो क्लास की बात रही है, इसके साथ ही हम हर बैच पे, हर वीडियो पे आधारित, वो सब्जेक्ट मैथ्स का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे ग्रामीण विकास हो, या आपका जीएस का कोई सब्जेक्ट हो, जीएस में भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे साइंस का अलग हुआ, पॉलिटी का अलग हुआ, हिस्ट्री का अलग हुआ, सभी के बेस पे आधारित क्विज हम क्लास के ही आधार पे कराते रहेंगे समय समय पे, और इसके साथ ही सब्जेक्टिव भी टेस्ट कराते रहेंगे। इसके अलावा भी जो भी आपके क्लास होते हैं उन सभी के आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। प्लस गणित और रीजनिंग में पूरी टीम कोशिश करेगी कि यूपी ट्रिपल एससी के अद्यतन पाठ्यक्रम पे आधारित जैसा उसका पैटर्न बन गया है, वो कहीं से भी क्वेश्चन कैसे रख दे रही है, नए क्वेश्चन पुट कर रही है, कभी पेपर के स्टैंडर्ड को बहुत लेवल टफ कर दे रही है, कभी उसके लेवल को बहुत आसान कर दे रही है, तो ये सब कुछ समझना, उसकी क्या लॉजिक है, कैसे पेपर सेट करता है, उस हिसाब से हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन को सेट किए हैं। और ऐसे 1000 से ज्यादा प्रश्न आपको मैथ्स में मिलेंगे और 1000 से ज्यादा प्रश्न आपको रीजनिंग में मिलेंगे, और ऐसे ही हिंदी के बहुत सारी चीजें और जीएस के, ग्रामीण परिवेश की, सब कुछ मिलने वाली है आपके इस बैच में। तो बहुत ही अच्छा है, निःशुल्क है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। जैसा बहुत सारे बच्चे हमेशा इंतजार किए रहते हैं कि परीक्षा प्लस उनके लिए कुछ अच्छा लेके आएगी, तो वादा के मुताबिक हम फिर से आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। ये पूरा प्रोग्राम फ्री है, मैं टाइम टेबल बता दूं, लेखपाल आपका 10+ कोर्स के अंतर्गत ही पूरा प्रोग्राम है। अभी इससे पहले हमने अनाउंस किया था 10+ कोर्स, आप समझ रहे, उस समय पूछ रहे थे क्या है 10+ कोर्स, यही है 10+ कोर्स। ये ऐसा एक कोर्स है जिसमें 10 विभिन्न कोर्स को एक साथ कराया जाएगा, जिसमें पहला बैच हमने लेखपाल का अनाउंस कर दिया है और जिसकी टाइमिंग मॉर्निंग के 10 बजे और दोपहर के 2 बजे होगी। 10 बजे का टाइम टेबल मैं यहां पे आपको जूम करके दिखा दूं ताकि आपको थोड़ा पता चलता रहे कि किस दिन आपकी कौन सी क्लास होगी। ये आपके सामने टाइम टेबल है और टाइम टेबल में आपको सोमवार के दिन, बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी, और मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को रीजनिंग की क्लासेस मिलेंगी। कितने बजे? 10 बजे। और 2 बजे आपको 3 दिन हिंदी मिलेगा, 3 दिन जीएस मिलेगा, जीएस में ही आपका ग्रामीण परिवेश किया कराया जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि रीजनिंग नहीं आएगा, अभी हमने वीडियो डाला था उसकी वैकेंसी से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन था, तो उसमें बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, करीबन नहीं ज्यादा, कम से कम तो 20 से 25 बच्चे ऐसे मिले जो बोल रहे हैं कि सर रीजनिंग नहीं आएगा। तो एक बात दिमाग में रख लीजिए कि आप जो वो समझ रहे हो कि रीजनिंग नहीं आएगा, वो पुराने पैटर्न की बात कर रहे हो। विगत वर्षों में यूपी ट्रिपल एससी कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं कराई है जिसमें रीजनिंग ना पूछे, वो गणित नहीं पूछी है, लेकिन रीजनिंग जरूर पूछी है, हिंदी जरूर पूछी है। तो रीजनिंग अनिवार्य सब्जेक्ट है, अनिवार्य सिलेबस है आपका, रीजनिंग को नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे लोअर में भी बोल रहे थे कि मैथ्स नहीं आएगी, लेकिन आ गई तो बाद में पछताना पड़ा, पछताने वाला काम कोई नहीं करना है, हमें सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करना है और रीजनिंग आएगी, 100% आएगी, उसे छोड़ के मत चले, दिमाग से वहम निकाल दीजिए, पुराने पैटर्न पे मत जाइए। 2016 में पेपर हुआ था, 2020, 4 साल बाद पेपर हो रहा है,
पूरा आयोग बदल, आयोग तो वही है लेकिन पूरी कमिटी बदल गई है, सारे लोग बदल गए हैं, पूरा जो पेपर कराते हैं है ना, वेंडर बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया, टीसीएस करा रहे हैं, सब कुछ अलग है, तो यहाँ पे रीजनिंग आएगी, इवन मैथ्स भी आएगी, जीएस भी आएगा और आपका ग्रामीण परिवेश से भी आएगा। सिलेबस अभी आउट नहीं हुआ है लेकिन जिस दिन आउट होगा उस दिन आपको देख लीजिएगा। तो ये हमारा टाइम टेबल रहा, आप सुबह के 10 बजे और दोपहर के 2 बजे क्लासेस नहीं बोलेंगे। ये पूरा प्रोग्राम 3 महीने का लगभग डिजाइन किया गया है जिसमें हम सारे प्रश्न कवर करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ देखेंगे। एडवांस लेवल में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी है और यूपी ट्रिपल एससी पे आशीर्वाद किसका है, टीसीएस का है, जिसका कुछ पता नहीं है कौन सा पेपर आसान कर दे कौन सा पेपर टफ कर दे कुछ पता नहीं है। तो अगर आप ये सोचो कि हम लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं और वह बारहवीं स्तर का ही है और आप केवल आसान आसान पढ़ के जाओ तो आप अपने आप को धोखे में डाल लो। क्यों? क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि 2018-19 में आपका वीडियो का पेपर हुआ था, ग्रामीण विकास का पेपर हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि रीजनिंग का जो पोर्शन था, इवन जीएस का जो पोर्शन था, उसे अगर हम यूपीपीएससी के पीसीएस के पेपर से भी कंपेयर करें जीएस का पोर्शन, तो शायद उसकी समकक्ष उसका लेवल पकड़ रहा था वो, और रीजनिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल की पूछी थी, लेकिन वो भी किस लेवल का था, 12th लेवल का था। तो दिमाग से निकाल दीजिए कि 12th लेवल तो बहुत आसान आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, वो टप भी कर सकता है। हम लोअर की बात कर लें, लोअर में कुछ पेपर तो ऐसे आसान आ गए थे, मैथ्स वगैरह की बात करें, जीएस वगैरह की बात करें, कि बच्चा एक बार देख के टिक लगा के चला है, और उसी में कुछ पेपर ऐसा था जो बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशान भी किया था। तो ये यूपी ट्रिपल एससी है और यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम टीसीएस करा रहा है जो पूरा अनप्रेडिक्टेबल होता है, इस कारण आपको जीरो से लेकर एडवांस तक एक एक चीज की तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात और जो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आ रही है वो ये है कि सर लॉकडाउन का माहौल है, सर कोरोना का माहौल है, कैसे एग्जाम हो पाएगा, ये वैकेंसी फालतू में निकाल दिए हैं, ये केवल इनका सरकार का जुमला है, या आप बहुत सारे बोलते हो कि यूट्यूबर्स का ये है। देखिए एक बात तो दिमाग में रख लीजिए कि जो भी हो आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जब आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपके पास केवल एक विकल्प बचता है, मेहनत। मैं आपको एक लॉजिक और समझाता हूं, लॉजिक क्या समझाता हूं समझिएगा, क्यों मैं इस बात पे आप ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्यों आपको पढ़ना चाहिए, क्यों आपको तैयारी करना चाहिए। अभी आप जितने भी इधर देख रहे हो गवर्नमेंट क्या कर रही है, जितने भी पब्लिक सेक्टर की जॉब है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, सबकी सैलरी क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। क्यों रिड्यूस कर रही है? क्योंकि इस विपदा में जब उसका सारा प्रोडक्शन बंद है, सारी इंडस्ट्री बंद है, सारा आईटी हब बंद है, सारा कॉमर्शियल सब कुछ बंद है, कुछ नहीं हो पा रहा है, और उसके खुद के कोशिए जितनी भी उसकी फाइनेंस थी रखा था वो सारी चीजें अब पब्लिक में आ रही हैं, तो उसके पास पैसे की कमी हो रही है। और अगर सरकार के पास पैसे की कमी होगी तो मुझे बताइए क्या वो पब्लिक को पैसे देगी? नहीं देगी ना, वो वापस उससे पैसे लेगी। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए आप लोग को दिमाग में ये है कि इसका मतलब कि परीक्षाएं नहीं आएंगी, एकदम ऐसा नहीं है। जितनी परीक्षाओं का नोटिफिकेशन आना था वो सारी आएंगी, जितनी परीक्षाएं प्रस्तावित थी जिनका अधियाचन मिल गया था वो सारी आएंगी। अंतर कहां पड़ेगा? आपकी सीटें कम की जाएंगी। क्या कम की जाएंगी? फिर से ध्यान से सुन लीजिए, सीटें कम की जाएंगी। और पहला ही एग्जाम्पल मिल गया है यूपीपीएससी के यूपीपीसीएस प्री 2020 परीक्षा में। सुनने में आ रहा था कि 400-450 सीटें होंगी, लेकिन कितनी सीट है भाई? 200 सीट दिया है। क्यों दिया है? सरकार बेवकूफ नहीं है, सरकार यहां पे वो आपको नोटिफिकेशन भी देगी और आपकी सीटें कम कर देगी। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है भाई आप फॉर्म तो भरोगे ही, और अगर आपको नौकरी चाहिए तो जो चीज पहले आप 400 दिमाग में रख के कर रहे थे वो आपको क्या दिमाग में रख के करना पड़ेगा? 200 का। और ये सारे आयोग में होगा, सारी हो, चाहे केंद्र लेवल का हो चाहे राज्य लेवल का हो, सब में ये होगा। यानी कि इसका फर्क सीधा पड़ने वाला है कि आपका कॉम्पिटिशन बढ़ने वाला है। केवल जो आप पहले थोड़ा सा रिलैक्स मोड में जॉब पा सकते थे भैया, वो जॉब पाने के लिए ना आपको नाकों चने चबाने पड़ेंगे। आपके पास विकल्प कोई नहीं है, या तो करो या तो मरो, या तो आप अच्छे से तैयारी कर लो। अगर आप 2 घंटा पढ़ते थे तो वैकेंसी आधी हो रही है तो आप पढ़ाई दुगना कर लो, आप 4 घंटे पढ़ना शुरू कर दो। आप 4 घंटे पढ़ते थे तो आप 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दो। आज से ही दुनियादारी छोड़ के अपने किताबों से दोस्ती कर लो, अपने कंटेंट से, अपने वीडियो लेक्चर से, अपने जो भी नोट्स हैं उन सबको साथी बनाइए और अपना सारा समय पढ़िए। इतनी मेहनत करिए, सारे इतनी मेहनत अपने कॉपियों में उतार दीजिए, अपने रफ कॉपी में उतार दीजिए, ताकि वो मेहनत रंग लाए,
वैकेंसी आएगी लेकिन कम सीट में आएगी, कम नंबर ऑफ पोस्ट होंगे, फाइट करना पड़ेगा, वही जीतेगा, वही वैकेंसी पाएगा जो एक सेकंड भी अपना बर्बाद नहीं करेगा। इस कारण आपको करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर रहे हो तो भैया नौकरी भूल जाओ और फिर अपना कोई धंधा सोच लेना। धंधा भी सोच लोगे तो क्या, प्राइवेट सेक्टर, मैं समझाऊंगा आपको, थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में सारे जॉब कट रहे हैं भाई, जिन कंपनियों के पास प्रोडक्शन ही नहीं हुआ दो महीने में उनके पास पैसा नहीं है, सामान्य भी कहेंगे पैसा नहीं है तो नए एम्प्लॉय को देगा कहां से, तो वहां भी जॉब नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे, खेती कर लो, खेती भी करोगे तो क्या भाई, दो बीघा खेत है, चार भाई है, गांव में रहोगे, खेती करोगे, आपस में लड़ोगे, यही करोगे, तो अल्टीमेटली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है केवल पढ़ाई का, इनकम पोस्ट में भी आपको नौकरी लेना है। तो ये एक जनरल सी बातें मैं जो बता दिया, जो आपके दिमाग में बातें घूम रही थी वो बता दिया हूं, लेकिन इन सबसे हटके हमारे फोकस ये होना चाहिए कि अगर परीक्षा प्लस आपके लिए इतना करें भाई, सब कुछ निशुल्क दे रही है, सब कुछ निशुल्क, पूरा वीडियो लेक्चर, रमन सर हैं, इतनी अच्छी क्लास लेते हैं, इतने बच्चों ने पसंद कर रहे हैं, वो आके आपको सारी क्लासेस दिन में दो से तीन क्लासेस आपको दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, दो दो घंटे तीन तीन घंटे एक क्लास ले रहे हैं, है ना, उसके पीछे चार पांच घंटे का मेहनत कर रहे हैं, आशीष सर इतना मेहनत कर रहे हैं, मैं खुद हूं, अदर फैकल्टीज हैं, जैसे लॉकडाउन खत्म होगा सब लोग आएंगे, आपके लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी बनता है कि आप भी मेहनत करो, अपने लिए करो, है ना। तो यहां पर आपको ये सारी चीज मिलने वाली है, इसमें आपको फिर से मैं बता दूं कि सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सारे एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो मिलेगा, उसके बाद आपको क्विज मिलेंगे, उसके पीडीएफ भी मिलेगी, और समय समय पर टीम द्वारा विशेष मार्गदर्शन एवं रणनीति भी मिलती रहेगी। ये सारी चीजें फ्री हैं, बस केवल पीडीएफ के लिए आपको तीन महीने का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जो मैं अभी बता दूंगा, वो कोई इतना जरूरी नहीं है, सब कुछ फ्री है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। चलिए, बाकी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बारे में बात कर लें, बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, तो रजिस्ट्रेशन सिंपल सा है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए और वहां पे रजिस्टर करिए। मैं डिस्टेंस बता देता हूं क्या करना है आपको, आपको हमारी वेबसाइट खोलना है, ये हमारी वेबसाइट है live.parikshaplus.org, ये आपको दिख नहीं रहा होगा अभी, आपको शायद थोड़ा थोड़ा दिखने लगा होगा, तो ये हमारा live.parikshaplus.org है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, एड्रेस बार में आपको क्या डालना है, मैं शुरू से ही प्रोसेस बता दे रहा हूं कैसे करना है आपको। हाँ, यहां पे अगर आप अपने गूगल में जाओगे या कुछ भी करोगे, क्या डालना है, live.parikshaplus.org, live.parikshaplus.org, ये आपका लिंक है, जैसे ही आप इस पे डालोगे अपने एड्रेस बार में, फोन में हो चाहे लैपटॉप में हो किसी भी माध्यम से, ये पहली लिंक खुल के आएगी, आपका परीक्षा प्लस ऑनलाइन प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म, ये हमारा है, ठीक है, ये आपका ओपन हो जाएगा, ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आएगी, पहला ही आपका पढ़े अनलिमिटेड है ना, ये 10+ कोर्स का है, क्रैश कोर्स चल रहा है उसके बारे में बता रहा होगा। खैर, आपको कुछ नहीं करना है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका यहाँ पे पहला नाम पूछेगा, आप अपना फर्स्ट नाम डालिए, लास्ट नाम, अंतिम नाम डालिए, ईमेल अपना डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड जो आप बनाना चाह रहे हैं और वही पासवर्ड आप दोबारा, जो पासवर्ड यहां डालेंगे वही पासवर्ड सेम यहां होना चाहिए, उसके बाद कैप्चा डालेंगे, और कैप्चा डालने के बाद आप जैसे ही एंटर करेंगे, जैसे ही इंटर करेंगे, रजिस्टर करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जो बच्चे पहले से ही रजिस्टर किए हुए हैं या जो ऐप इंस्टॉल किए हुए, देखिए यह वेबसाइट से भी आ सकते हैं या गूगल प्ले पे जाके आप हमारा परीक्षा प्लस ऐप सर्च करिए, और इवन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी होगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप ऐप डाउनलोड करिए, और रजिस्टर का प्रोसीजर सेम है, ध्यान रखिएगा कि मोबाइल नंबर सही डालिएगा, क्योंकि इसके आगे एक प्रोसेस होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का, जब तक वो वेरीफाई नहीं करेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप 9450, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं नंबर, इवेंट डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, 9450600707 पर कॉल कर सकते हैं, 94-5000-6007 पे कॉल कर लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में लगे बाकी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, जिसमें आपको सुविधा हो उसे पता कर लीजिए। तो ये आप जैसे रजिस्टर कर लेंगे, आप लॉगिन का मांगेगा, जैसे लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन करने के बाद आपका क्या खुल के आएगा मैं कुछ दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, मैं अपने नंबर से लॉगिन कर ले रहा हूं,
लॉगिन में आप अपना वही मोबाइल नंबर डालेंगे जिससे आप रजिस्टर हुए हैं। ओके, पासवर्ड डालेंगे जो आप बनाएंगे। जैसे ही एंटर करेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद कुछ ऐसा आएगा, यहां पे आपका डैशबोर्ड खुल के आएगा। डैशबोर्ड में आपका कुछ ऐसा दिखेगा जब आप वेबसाइट से खोलेंगे, ऐप से खोलेंगे तो उसका मॉड्यूल कुछ अलग होगा, समझ में आ जाएगा। यहां पे वो कोर्सेज दिखाएगा जो आपके पास कोर्सेज ले रखे हैं। आपको बाई कोर्स पे जाना है, हालांकि इसमें कोई पैसा नहीं खर्च करना, परेशान मत होइएगा। बाई कोर्स पे जाना है और नीचे आके आपको 10 प्लस पीडीएफ सब्सक्रिप्शन, ये वाला जो कोर्स है इसके अंतर्गत आपको मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको यहां पे लेखपाल का बैच मिलेगा। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपका खुल के आएगा, देखिए आपके सामने है। यहां पे आपके सारी पूरा डिटेल, पैकेज डिटेल जो है आपको सब मिलेगा यहां पे। ये जो डेली क्विजेस रोज हो रहे हैं, स्टार्टर्स स्टार्टर्स आपको दिखा रहा होगा यहां पे, आप किसी भी क्लिक कर सकते हैं, ये पूरा क्विज है। उसके बाद आपका मैथ्स का वीडियो कोर्स है ना। यहां पे आप जैसे ही प्ले करेंगे आपका प्ले होने लगेगा। पीडीएफ में बताया था ना कि पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे स्टार्ट पे वीडियो ओपन हो जाएगी, मैं चला के दिखा दे रहा हूं। तो ये वीडियो ऐसी आपकी चलने लगेगी। चलिए, ये तो रहा हमारा वीडियो का पार्ट। टेस्ट भी आप स्टार्ट टेस्ट करके दे सकते हैं, कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। ये हमारी सारी वीडियोस लगी हुई हैं। पीडीएफ पे लॉक दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है कि बाकी चीजें तो फ्री है, वीडियो आपकी भी फ्री है, आपके सारे क्विजेस फ्री हैं, वो सब आपको ग्रीन में दिख रहा है। इस पे लॉक इसलिए लगा है कि पीडीएफ पाने के लिए आपको केवल 499 का, वो भी 3 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, है ना, ताकि आपको अगले 3 महीने तक वो सारी पीडीएफ जो बैच में कराई जा रही है, क्लास में कराई जा रही है, या उसके अतिरिक्त भी करीबन 3 महीने में आपको 500 से ज्यादा पीडीएफ इस प्रोग्राम के अंतर्गत दी जाएगी सारे क्लास की। तो इवन आप, मैं ये भी बोल सकता हूं कि नहीं, अगर आप यहां पे पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो एकदम मत लीजिए, कोई जरूरी नहीं। यहां पे अगर आप नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, वो भी आपका सही है, आप खुद नोट्स बना लीजिए। वीडियो देखिए और क्विजेस देखिए, जो आपको सुविधाजनक लगे आप वो कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। ये हमारे वीडियो हैं और ये हिंदी का कोर्स है। हिंदी में हिंदी वर्णमाला क्लास 1 हो चुकी है, हिंदी वर्णमाला क्लास 1, हिंदी वर्णमाला भाग 2 हो चुकी है, रीजनिंग की क्लास हो चुकी है, 2 क्लास रीजनिंग की हो गई है, पॉलिटी के लेक्चर्स यहां पे पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस पूरे कोर्स के अंतर्गत मिल रही है, ठीक है। चलिए, तो देखिए एक बार आप देखेंगे तो ये पूरा कोर्स बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है। आप ऐप के माध्यम से डेली बेसिस पे 1 घंटा आप सुबह और 1 घंटा आप दोपहर में देना है, बाकी खुद पे प्रैक्टिस करनी है। जो टीचर्स होंगे, जो फैकल्टी होंगे, समय समय पे ग्रुप पे आपको बताते रहेंगे बेटा पढ़ना कैसा है, कैसे जाना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ पे हमें छोड़ना है, सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे आपको मिलने वाली है। सब कुछ परीक्षा प्लस के साथ मिलने वाली है, वो भी निःशुल्क में मिलने वाली है आपको। इसके साथ ही अभी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे बच्चों का प्यार है वो मैं कुछ दिखा दूं आपको कि कैसे बच्चे पसंद कर रहे हैं, आपको भी पता होना चाहिए। तो देखिए कुछ जो बच्चे हैं, ये किसी बच्चे ने कहा है, सच कहूं तो मेरा आत्मविश्वास दोगुना हो गया जब मैं ये पीडीएफ प्रोग्राम ज्वाइन किया हूं, दिन प्रतिदिन मेरा हौसला बढ़ रहा है, आपके पीडीएफ पढ़कर सिलेक्शन को लेकर चिंता कम हो गई है। तो ऐसे बच्चों का प्यार मिलता रहता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दिन प्रतिदिन ये परीक्षा प्लस जो भी इंटरेक्टिव प्रोग्राम लेके आती है, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम डिजाइन करती है, तो बच्चों जाहिर सी बात है कि देखिए आप लोग बोलते हैं कि सर आप पैसा भी नहीं लगा रहे हैं तो आप ऐसे कर कैसे रहे, इतना सब कुछ कर रहे, इतनी फैकल्टी है, पैसे की जरूरत नहीं होती, आपके प्यार की जरूरत होती है। एक बार आप अपना प्यार बना लिए तो पैसे कौन आया है, क्या जाएगा, तो खाली हाथ ही जाएगा ना, ना कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाएगा, बस वही फिलॉसफी यहाँ पे भी हो रही है। केवल आपका प्यार है जो हमें इतना अच्छा करने पे मजबूर करता है। ये हमारे कुछ सूरज पाल जौनपुर के हैं, ये बोले परीक्षा प्लस की सारी पीडीएफ बहुत अच्छी है, मैं यूपी पीसीएस 2020 वाले ग्रुप में नए लॉन्च कोर्स से जुड़ा हुआ हूँ। ये हमारे किसी कोर्स में जुड़े हुए हैं, मुझे इतना नहीं पता है, सूरज पाल जी होंगे, उन्होंने दिया है। कमेंट्स है यूपी पीसीएस स्टार में, मैंने बहुत सारे वीडियोस कोरोना पे वॉच किया लेकिन कोरोना में मुझे सबसे अच्छा चैनल दिखा रमन सर की आवाज को सलाम। रमन सर की आवाज सब लोग योगी जी से कंपेयर करते हैं, उनकी आवाज बहुत लोग बोलते हैं योगी जी की तरह है, तो रमन सर की आवाज से आपको भी प्यार हो जाएगा, ये भी निश्चित है, जैसे आप परीक्षा प्लस से जुड़ेंगे, है ना। इसके साथ ही और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन क्या कह रहा है।
कि किसी बच्चे ने कहा परीक्षा प्लस टीम से मुझे यूपीपीएससी के सारे रिलेटेड सभी जानकारी मिली, सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण पीडीएफ मिली, जो एनसीईआरटी बुक अन्य बुक से रिलेटेड थी, जिनसे मुझे सिलेबस कवर करने में हेल्प मिली। दीपक शर्मा जी हैं, बोल रहे हैं कि आपकी टेस्ट सीरीज अच्छी थी, लोअर पीसेस में हेल्प हुई सर, यूपी ट्रिपल सी और अदर एग्जाम में कभी टेस्ट सीरीज लॉन्च करिएगा। यहाँ पे कोई रिया जी हैं, ये भी कुछ कह रही हैं, रमन सर के बारे में कुछ बहुत अच्छा अच्छा लिख रही हैं, रमन सर हीरो ऑफ द वर्ल्ड, उन्हें हीरो बता रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है, सो परफेक्ट डिसीजन सर जी, ये पूरा जो कोर्स लॉन्च किए हैं उसके बारे में सो परफेक्ट डिसीजन बच्चे कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है यूपी का सबसे बेस्ट ऑनलाइन क्लास, ये मुझे सबसे अच्छा लगा है ना, यूपी का सबसे बेस्ट ऑनलाइन क्लास, ये आपका प्यार है, ये ताकत हमें देता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा करें। और ये हमारा वादा है कि परीक्षा प्लस पहले भी करते आई थी, अब भी कर रही है और आगे भी करते रहेगी। आपको करना क्या है, केवल परीक्षा प्लस के साथ जुड़ना है और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करना है। इसके साथ ही मैं विदा चाहूंगा, लेकिन आपको अपने दोस्तों को भी बताना होगा, अपने साथियों को भी बताना होगा, आपको हर उस शुभचिंतक को बताना होगा जो नौकरी चाह रहा है, सारी बातें दिमाग में रखते हुए। चलिए फिर मिलते हैं पूरे कोर्स के साथ हर वीडियो में, मैं मैथ्स के साथ मिलूंगा, धन्यवाद।